बेजुबान बंदरों को अयोध्या पहुंचकर अमनदीप सिंह द्वारा भीगा हुआ चना खिलाया गया। लॉकडाउन पार्ट टू के तीसरे दिन भी गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के सभी सहयोगियों द्वारा 23वां दिन भी 1500 व्यक्तियों के लिए भंडारा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के सीईओ अमनदीप सिंह ने राम की नगरी स्थित श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास द्वारा बेजुबान बंदरों को भीगा हुआ चना खिलाया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए महंत राजकुमार दास ने कहा कि गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही जल्दी प्रभु श्याम की कृपा होगी तो लोगों को इस महामारी से निजात अवश्य मिलेगी। इससे बचने के लिए आप हमेशा मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान। अमनदीप सिंह ने कहा कि आज हमने बंदरों को अयोध्या पहुंचकर महंत जी द्वारा जो हमने बंदरों को चना खिलाया है, समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इसी प्रकार से मैं सेवा करता रहूंगा। चना का माध्यम जो है लगातार लॉकडाउन हुआ जब से आज 22वां दिन है, लगातार सेवा अनुरत कर रहे हैं जो अपने गुरुकुल लिए गुरु नानक देव एजुकेशनल सोसाइटी खिड़की अली बेग, वहाँ गुरुद्वारा भी है, लंगर की सेवा तो चलती ही है। उसके साथ साथ जो लोग अभी जरूरतमंद हैं इंसानों के साथ साथ जानवर की भी, जैसे बंदर हैं या लावारिस गाय हैं, उनकी भी सेवा का लगातार जिम्मा उठाए हुए हैं। उसके लिए एजुकेशनल सोसाइटी को कोटिशाह साधुवाद, धन्यवाद। आज अयोध्या में भी यहाँ पर आश्रम भी पधारे सभी लोग और चना बंदरों को खिलाया गया, अन्न का वितरण तो लगातार चल ही रहा है। लॉकडाउन पार्ट टू चल रहा है इस समय, आज तीसरा दिन है, और क्षेत्रवासियों क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किया जाता है सावधानी का, उसको भी अपनाएं और घर में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, उनको ज़्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है इसके संक्रमण का, इसलिए वो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें। नगरी में और बंदरों को चना खिलाया, आपने इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग सेवा में लगे हुए हैं, सेवा ही धर्म है, और आज हम लोगों ने जो बंदरों को चना खिलाया वो परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव बाबा राजकुमार दास जी अधिकारी श्री राम वल्लभा कुंज पर हम आए और महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने बंदरों को चना खिलाया और हमारी सेवा निरंतर ऐसे ही चल रही है, वो चलती रहेगी। भंडारे की भी चल रही है 1500 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की, और बंदरों के लिए भी है, और भी जो सेवा हमसे हो पा रही है वो हम अयोध्या वासियों के लिए कर रहे हैं। क्या नाम का है? अमनदीप सिंह, गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी अयोध्या। सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा किया गया। लॉकडाउन में लगे हुए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की सराहना को लेकर फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला हैदरगंज के निवासियों द्वारा पुष्प वर्षा एवं उन सभी सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए केशव बेगलर ने कहा कि इस महामारी के दौर में नगर निगम के सफाई कर्मी द्वारा पूरे नगर को साफ सुथरा बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे सफाई कर्मचारियों का आज हम सभी मोहल्लेवासियों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। जो आज कार्यक्रम हमारे हैदरगंज मोहल्ले के नौजवानों ने प्रशांत गुप्ता गौरव के नेतृत्व में किया है, इनका उद्देश्य जो है ये था कि पूरा विश्व आज जिस बीमारी से आतंकित है, उस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारे सफाई नायक, जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, वो एक प्रकार से वो इस कोरोना के विरुद्ध लड़ने वाले एक महान योद्धा की बात थी। आज वो एक जंग लड़ रहे हैं और हम उनका इस जंग में स्वागत किए, और इस स्वागत में हमने यहाँ हैदरगंज वार्ड में जो हमारे सफाई नायक है विनय बाघमार जी, जो हमारे क्षेत्रीय सुपरवाइजर हैं विक्की सागर जी, इन लोगों के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है सारे सफाई कर्मचारियों की, प्रशांत गुप्ता जैसे नौजवानों ने आज उनके स्वागत का जो बीड़ा उठाया,
वो निसंदेह काबिले तारीफ है। और मैं आप लोगों के बीच ये चाहता हूँ कि आज के इस सराहनीय प्रयास का आप लोग करतल धुन से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। केशव बिगलर। राम की नगरी में गुरुकुल विद्यापीठ के शिष्यों के साथ आचार को भी निःशुल्क बांटा गया मास्क। अयोध्या जनपद के संयुक्त व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष जनार्दन पांडे बबलू पंडित एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज के प्राचार्य के लाल के संयुक्त सहयोग से राम की नगरी हनुमान बाग स्थित गुरुकुल विद्यापीठ के कैंपस में तेज तर्रार सीओ अमर सिंह के ने सभी विद्यार्थियों को मास्क अपने हाथों से वितरण किया। यह ऐसा गुरुकुल विद्यापीठ है जो कि नगरी के हनुमान बाग के बगल स्थित है, जहां पर कोई छात्र मास्क नहीं लगाया था। इसकी सूचना जब बबलू पंडित को मालूम चला तो वह मास्क लेकर पहुंच गए गुरुकुल विद्यापीठ और उन्होंने सभी शिष्यों के साथ पूरे स्टाफ को मास्क वितरण के साथ सलाह दिया कि आप सभी हमेशा मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान, सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखें। पत्रकारों से वार्ता करते हुए आईटीआई के प्रिंसिपल के लाल ने कहा कि हम अपने संस्थान में मास्क बनवाकर सभी लोगों तक मास्क निःशुल्क बांटने का काम कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा हम इसी तरह से वितरण करते रहेंगे। अभी हमने गुरुकुल में करीब 45-50 मास्क बांटे हैं। ये गुरुकुल वशिष्ठ गुरुकुल जो विद्यापीठ है, यहाँ पे इस महामारी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बांटे गए। क्या चल रहा है आपका, कितना बांटने का लक्ष्य है और कहाँ पे पहुँचे? अभी हम लोगों ने तो लक्ष्य निर्धारण कर रखा है, हमारे व्यापार मंडल के जनार्दन पांडे जी हैं और मैं प्रिंसिपल आईटीआई। लगभग हम लोगों ने 10 से 15 हजार का मास्क का लक्ष्य बना के रखा है और प्रतिदिन गत एक हफ्ते से 800 से 1000 मास्क या 1200 मास्क तक हम लोग बांट रहे हैं। जिससे गुरुकुल महाविद्यालय में आप आए थे तो क्या आपको जानकारी थी यहाँ पर कोई मास्क नहीं लगाया है तब आप आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ये बात नहीं थी। हम लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे बच्चों को अगर मास्क नहीं प्रोवाइड हुआ है तो हम लोग अपने स्तर पे मास्क इनको लगा के इसके बारे में जानकारी दें, मास्क लगा के अपना अध्ययन करें। क्या नाम? प्रिंसिपल आईटी के। नदी में जानवर को पानी पिलाना पड़ा महंगा, चली लाठी डंडे। अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट सराय माझा कला नदी में पप्पू मूत्र मौजी राम अपने जानवरों को रोज की भांत नदी में जानवरों को पानी पिला रहे थे, तभी नदी के रास्ते से पड़ोस के रहने वाले भानु पुत्र जानकी उर्फ फक्कड़ निवासी तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज गोंडा ने पानी पिलाने से मना किया। नहीं मानने पर विपक्षियों द्वारा 6 लोगों की संख्या में पहुंचकर लाठी डंडे से प्रहार करते हुए भाई राम सजन पति पत्नी सहित पूरे परिवार को मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टरों द्वारा सभी का इलाज चल रहा है। पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। अनुज कुमार यादव ने बताया कि मेरे भाई को व सभी को मारा गया है, हमारे घर के पास नदी है, हम लोग अपने जानवरों को नदी में पानी पिलाने अक्सर जाया करते हैं, हम चाहते हैं कि इन सभी लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम होना चाहिए, जबकि हमारे ऊपर बार बार स्वास्थ्य समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है, हमको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी वारदात एक दो बार और कर चुके हैं, देखने वाली बात होगी पीड़ित को न्याय पुलिस द्वारा कब मिलेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। नदी किनारे घर बनाए हैं, वहाँ पर भैंस पानी पीने गई थी तो गाड़ी गुप्ता दिए लगे, उसके बाद ये बोले तो इनको मारने के धमकी आने और लपटियाए गए, मारे लागे, घर फूक दीन है, घर उजारे लागे, यही सब दिक्कत है सर, बहुत परेशान है। अगले बार इनकी नैया को मैं भाला मार के डुबा दिए, फिर नैया चलाए, नैया के बैर की वजह से ये लोग दिक्कत कर रहे हैं हमेशा। सर पर सालों तब की दाई में सर कुछ नहीं हुआ, 4 लोग बैठ कर मामला बैठा दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब सी कोई वहाँ चौकी पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं भाई, कहीं इसको दवा करवाइए के बाद वो उसके बाद तब रिपोर्ट लाइए, तब रिपोर्ट लिखा जाएगा, बस कोई। क्या चाहते हैं आप? सर हमने चाहते थे हम सुल्ला नहीं होंगे, हमेशा चलेंगे, लड़ेंगे चाहे जो होगा। सर हमें बहुत परेशान किए थे, जिया नहीं देते चाहते हैं, हमेशा मारते हैं। क्या नाम है? हाँ क्या नाम? और लाल बहादुर कुंजी लाल और बाठे सब लोग हैं सर, कई लोग हैं, नाम है सर। कहाँ रहने वाले हैं ये सर? यहीं माझा कला कोट सराय हैं,
धारा इधर पार उधर पार से रहते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहने वाले? मैं अनुज कुमार यादव, कोटसराय माझा कला। राम कृपाल यादव। कितने चोट खाए थे जी? काफी चोट लगी है सर औरतों को, उनको दोनों जने खोपड़ी फूटी है। कितने लोग मारे गए हैं? चार लोग मारे गए हैं, तो आज आप लड़के बच्चे को मारे हैं। आज आप एफआईआर करेंगे जी? एफआईआर करेंगे आप जी?